गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी। टुडे वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस चैप्टर 1 वी आर नंबर। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था और कुछ आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट नहीं मिला, इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को समझेंगे कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आपका वही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसकी लैंग्वेज क्या है, बोलना क्या चाह रहा है और वो आपसे क्या चाहता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड हो रही है जिसमें 616 मेंबर्स आर्मी मेंबर्स हैं एंड 32 बैंड मेंबर्स हैं। इन बैंड मेंबर्स के पीछे ये आर्मी मेंबर्स को चलना है। नेक्स्ट लाइन, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। अब इस लाइन का मतलब समझिए, इन दोनों ग्रुप्स को मतलब आर्मी मेंबर्स को और बैंड मेंबर्स को इस तरीके से मार्च करना है कि उनके सेम नंबर ऑफ कॉलम रहे। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब है कि लाइनें कैसी रहे, कॉलम्स का मतलब यहाँ पे लाइन से है कि जितनी लाइन बैंड मेंबर्स बनाएंगे उतनी ही लाइन आपके आर्मी मेंबर्स बनाएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो आपको बताना है कि ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं जिसमें दोनों ग्रुप मार्च कर सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, आपके पास आर्मी मेंबर कितने, 616, बैंड मेंबर्स कितने, 32। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है। बोला क्या है कि इन बैंड मेंबर्स के पीछे इन आर्मी मेंबर्स को चलना है और इस तरीके से चलना है कि जितने बैंड मेंबर्स की कॉलम बनेगी, कॉलम मतलब जितनी बैंड मेंबर्स की लाइनें होंगी उतनी ही आर्मी मेंबर्स की भी लाइनें होंगी। सपोज करो ये आपकी, हमने मान लिया कि हो सकता है कि बैंड मेंबर्स की लाइनें कितनी हो, 4। ये आपके बैंड मेंबर्स, बैंक मेंबर्स की 4 लाइन बनी, तो आर्मी मेंबर्स की भी 4 लाइन बनेगी। आर्मी मेंबर्स की भी कितनी लाइन बनेगी, 4 लाइन। अगर बैंक मेंबर्स की 6 लाइन बनती है तो आर्मी मेंबर्स की भी 6 लाइन बनेगी। इट मींस दोनों मेंबर्स की, मतलब बैंक मेंबर्स और आर्मी मेंबर्स की नंबर ऑफ कॉलम सेम रखनी है। नंबर ऑफ कॉलम सेम मतलब नंबर ऑफ लाइन सेम रखनी है। ठीक है, इतना हमारा इसका मतलब हो गया। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाए जा सकते हैं जिसमें ये दोनों मार्च कर सके। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं, एक कॉलम में कितने बैंक मेंबर्स आएंगे और एक कॉलम में कितने आर्मी मेंबर्स आएंगे, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो आपको एक चीज पता होगी कि मैथ में जो भी चीज आपको अननोन होती है आप उस चीज को सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता नहीं है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, हमने उस चीज को मान लिया एक्स कि बैंड मेंबर्स के कितने कॉलम्स होंगे एक्स। अगर बैंड मेंबर्स के एक्स नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो आर्मी मेंबर्स के भी एक्स नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे क्योंकि दोनों के कॉलम सेम होंगे। अब एक कॉलम में कितने बैंड मेंबर होंगे हमें पता नहीं, तो हमने उसको मान लिया बाय। एक कॉलम में कितने आर्मी मेंबर होंगे ये भी हमें पता नहीं, तो उसको भी हमने मान लिया जेड। ठीक है, अब जो चीजें आपने सपोज करी है उनको लिख के बता दीजिए कि लेट एक्स बी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बैंड मेंबर्स एंड आर्मी मेंबर्स एंड आर्मी मेंबर्स। एक्स को हमने यही माना था, एक्स हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स पे बैंड मेंबर्स और आर्मी मेंबर्स। बाई क्या है आपका, हमारा बाई हमारा है नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स इन ईच कॉलम। एक कॉलम में कितने बैंड मेंबर्स होंगे वो हमारा बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाई की नंबर ऑफ
बैंड मेंबर्स इन ईच कॉलम। ओके नाउ जेड क्या है, जेड हमारा है कि एक कॉलम में कितने आर्मी मेंबर्स होंगे वो हमारा जेड है। इट मीन्स जेड भी नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स इन ईच कॉलम। ओके स्टूडेंट, तो हमने एक्स वाई जेड को बता दिया कि एक्स हमारा क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। अब यहां से हम देखेंगे बैंड मेंबर्स की कि टोटल बैंड मेंबर्स कितने होंगे। इस अकॉर्डिंग टू फिगर देखते हैं कि हमारे बैंड मेंबर्स के कॉलम एक्स है और एक कॉलम में वाई नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स आप इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स निकालेंगे। सपोज करो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मल्टीप्लाई क्यों करना है। मान लीजिए चार लाइन है आपके पास, ठीक है, कितनी लाइन है, 1 2 3 4, और एक लाइन में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो चारों लाइनों में कितने बच्चे बैठेंगे, 4 × 5। आपने नंबर ऑफ लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया, एक लाइन में कितने बच्चे, सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स टू नंबर ऑफ लाइंस, और एक लाइन में इतने बैंड मेंबर्स हैं, तो टोटल एक्स लाइन में कितने होंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय। सिमिलरली आर्मी मेंबर्स के लिए एक्स आपका नंबर ऑफ कॉलम्स और एक कॉलम में जेड नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स है, तो टोटल एक्स कॉलम में कितने आर्मी मेंबर्स होंगे, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ टोटल बैंड मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स, टोटल नंबर्स ऑफ बैंड मेंबर्स इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय। अब क्वेश्चन में देखिए टोटल नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स आपको कितने दिए गए हैं, 32। यहां पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 32 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर्स ऑफ आर्मी मेंबर्स अकॉर्डिंग टू फिगर, आर्मी मेंबर्स कितने होंगे, एक्स इंटू जेड। क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स कितने दिए गए, 616, वैल्यू प्लेस करिए, एक्स इंटू जेड, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन दिस सेकंड मार्च, मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखिए, जब आपने 32 एक तरह से एक्स और वाई 32 के क्या है, फैक्टर्स, इधर एक्स और जेड 616 के क्या है, फैक्टर्स। जब आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स में लिख सकते हैं, तो उन टर्म्स को उस नंबर का फैक्टर्स बोला जा सकता है। जैसे मैंने 32 को लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय, 616 को लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स एक्स मल्टीप्लाई जेड, तो ये दोनों टर्म्स इसके फैक्टर्स होंगे, इधर भी ये दोनों टर्म इसके फैक्टर होंगे। यहां से आपको क्या निकालना है, एक्स। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक्स 32 का भी एक फैक्टर है, एक्स 616 का भी एक फैक्टर है। इसका मतलब है एक्स 32 और 616 का कॉमन फैक्टर है, क्या है, कॉमन फैक्टर। और आप कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप इन दोनों नंबर्स का अगर एचसीएफ निकाल देंगे तो आपको इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व किया तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616। आप 32 और 616 का एचसीएफ निकाल देंगे, वही जो एचसीएफ आएगा वही आपकी एक्स की वैल्यू होगी, मतलब वही नंबर ऑफ कॉलम्स होगी। ओके स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके स्टूडेंट, तो अब हम 32 और 616 का एचसीएफ निकालते हैं, वो भी किस मेथड से निकालेंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चन में वैसे बोला तो नहीं गया है कि किस मेथड से एचसीएफ निकालना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ निकाला जा सकता है, पर अभी हम पढ़ रहे थे एचसीएफ निकालना यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो हम इसका अभी एचसीएफ किस मेथड से निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए दो इंटीजर चाहिए, दो इंटीजर आपको पता है, यहाँ पे बड़े वाले इंटीजर को आप हमेशा ए मान के चलते हैं और छोटे वाले को बी मान के चलते हैं, यहाँ पे लगाएंगे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, और आप ये थ्योरम तब तक लगाएंगे जब तक कि रिमाइंडर आपको जीरो नहीं मिल जाता। जैसे ही रिमाइंडर आपका जीरो आ जाएगा उस केस में जो आपका डिवाइजर होगा वही इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं स्टेटमेंट, लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 32 से 616 को डिवाइड किया, 32 बन जा 32, 11 माइनस 2 9, 6 माइनस 4 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 3 7 जा 7 टाइम जाएगा, करके देखते हैं 9 टाइम टू है, ठीक है 9 टाइम चला जाएगा ये, 9 टाइम करिए, 9 टू जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, रिमाइंडर 8, आपका रिमाइंडर देखिए यहाँ पे जीरो नहीं आया है, इसका मतलब आपको फर्दर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना होगा। अभी इसके लिए आप स्टेटमेंट फॉर्म में दीजिए, ए आपका 616 है, बी आपका 32, क्यू 19 और रिमाइंडर आपका 8 है। आपको पता है यहाँ पे कि रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, इसका मतलब आपको फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगानी है। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड वही लिखा जाएगा, हेयर रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल टू 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि आपको फर्दर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो इस केस में, इस स्टेप में आपका जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, ओके। तो अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके लगाइए, और यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म देखेंगे उसका, डिवाइड कर दीजिए आप 8 से, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन गया, जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, 8 हो जा 32, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया जैसे स्टेप में, तो इस स्टेप का जो डिवाइजर है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। पहले इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं, 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, आप लिख देंगे हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, जो लास्ट स्टेप है आपका उसमें जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है इस केस में 8, तो यही डिवाइजर इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 32 और 616 इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू ही किसके इक्वल थी, इन दोनों का एचसीएफ ही आपकी वैल्यू ऑफ x है, वही क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8, hence therefore कितने मैक्सिमम ऑफ कॉलम्स बनाए जा सकते हैं, 8 नंबर ऑफ कॉलम्स, hence मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज इक्वल टू 8, तो बैंड मेंबर्स के एक कॉलम बनाए जा सकते हैं और आर्मी मेंबर्स के भी एक कॉलम बनाए जा सकते हैं, यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रट लेते हैं या उनको बोल दिया जाता है कि आपको सिंपली क्या करना है, 32616 का SCF निकाल देना है, तो आपका आंसर निकाल आएगा। तो हमने क्या देखा कि SCF क्यों निकालना है, हमने पहले वो देखा, हमें पता चला कि SCF इसमें इसलिए निकालना था क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सेम था। तो हमें पता है कि जब दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर निकालना होता है तो हम उन नंबर्स का SCF निकालते हैं, ठीक है। फिर हमने SCF निकाला बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ओके स्टूडेंट। और इसी क्वेश्चन इसी पैटर्न का आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो क्वेश्चन आप लोग खुद घर पे ट्राई करके देखिएगा, यही आपके लिए होमवर्क रहेगा। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेज सकते हैं।